हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग के ही कुछ अपडेट्स और जानकारी के। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, इसी को लेकर जो है तो कृमि से संक्रमण के लिए बच्चों को जो है एक गोली खिलाई जाती है एल्बेंडाजॉल नाम की। कुपोषण और खून की कमी भी होती है बच्चों में, जिसके कारण हमेशा थकावट रहती है, शारीरिक मानसिक विकास में बाधा होती है। इसी को लेकर 17 अक्टूबर 2022 को जो है कृमि नियंत्रण की दवाई है, चबा चबा कर खाने वाली दवाई जो है 1 से 19 साल के बच्चों को दी जाएगी। स्कूल, मदरसे, आंगनबाड़ी केंद्र, महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान में निःशुल्क खिलाई जाएगी। आंगनबाड़ी में पंजीकृत व गैर पंजीकृत कक्षा 1 से 5 वर्ष, स्कूल न जाने वाले बच्चे भी 6 से 19 साल को यह दवा खिलाई जाएगी। ये दवा जो हमें विद्यालय स्तर पर उपलब्ध करा दी जाएगी ANM माध्यम से, जो भी है 17 अक्टूबर 2022 को ये कृमि नाशक दिवस के रूप में जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 17 अक्टूबर 2022 जो बटे छूट जाएंगे उन्हें 18 अक्टूबर 2022 को भी ये दवाई जरूर खिलाई जाए। आगे संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आ जाएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे तो शिक्षा विभाग की अपडेट है कि अभ्यास चरण शुरू हो चुका है। जो RKSMB के ऐप है उसके माध्यम से अभ्यास आकलन क्यों किया गया है, इसका मुख्य कारण ये है कि इसकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आगामी नवंबर में इसका जो है मुख्य टेस्ट होगा। और इसके लिए शिक्षकों के लिए ये है कि RKSMB के ऐप पर स्कैन और पेपर अपलोड करने का अभ्यास करवाया जा रहा है। और विद्यार्थियों के लिए भी कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी OCR बहुविकल MCQ उत्तर पत्र पर जो है प्रयास करें और फिर उसको अपलोड करेंगे जो है शिक्षक। और ये अभ्यास का चरण चलेगा 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अभ्यास आकलन करवाना है। और इसके लिए जो लिंक भी दिया गया है, प्रश्न उत्तर पत्र दोनों को प्रिंट करें और अपने स्कूल में परीक्षा का प्रयास करवाएं। स्कूल के बजट का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये 12 से 18 अक्टूबर अभ्यास चरण चल रहा है RKSMB के ऐप पर। इसके माध्यम से आपको जो भी है अभ्यास पेपर लेके जो है ऐप पर अपलोड करना, एक प्रकार से प्रैक्टिस टेस्ट है। अगर अभी प्रैक्टिस हो जाएगी और नवंबर में इसका मुख्य जो है ओरिजिनल टेस्ट लिया जाएगा। इसके साथ ही बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की विज्ञप्ति जारी की गई है। EWS जनरल कैटेगरी के 2021 की छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राजस्थान सरकार की घोषणा के अनुरूप सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र छात्राओं की सहायता के लिए विशेष छात्रवृत्ति अनुदान योजना आरम्भ की जा रही है। यह छात्रवृत्ति अनुदान योजना वर्ष 2021 में राजस्थान बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा में 10th में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 13 अक्टूबर 2022 और अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022 को रात्रि 12 बजे तक है। आवेदन विद्यालय के माध्यम से ही ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विद्यालय बोर्ड की वेबसाइट www.rajeducation.board.rajasthan.gov.in पर फॉर्म भरने के लिए बोर्ड द्वारा जारी लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए वे ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने परीक्षा फॉर्म भरते समय EWS की कैटेगरी से फॉर्म भरा है। यह फॉर्म नवीन या फ्रेश स्कॉलरशिप के लिए भी भरवाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी, दिशा निर्देश वेबसाइट पर और दूरभाष नंबर दिए गए हैं, उन पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये EWS कैटेगरी के छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन है। ये तमाम तरह के शैक्षिक अपडेट थे आज के। धन्यवाद।